नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ है बछेंद्री पाल का, जो कि एवरेस्ट की जो शिखर यात्रा उन्होंने की थी उस पाठ में उन्होंने किस प्रकार से अपनी जो यात्रा है एवरेस्ट की वह पूरी की। तो आइए चलते हैं, इस पाठ में पढ़ते हैं। सबसे पहले बछेंद्री पाल, जिनका कि जन्म हुआ 1954 ईस्वी में, और जन्म हुआ इनका उत्तरांचल के चमोली ज़िले में, और इनका एक गांव था बम्पा। क्या नाम था? बम्पा गांव था इनका। एक 24 मई 1954 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। बछेंद्री अपनी माँ हंसादेवी नेगी और इनके पिता थे किशन सिंह। इनकी माता का नाम था हंसादेवी नेगी और इनके पिता थे किशन सिंह पाल। उनकी यह तीसरी संतान थी बछेंद्री पाल। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अर्थात इनकी जो पढ़ाई थी उसका खर्चा उठाने में इनके जो पिताजी थे समर्थ नहीं थे। अतः बछेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा था, और 10वीं पास करने के बाद बछेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, अर्थात राजी किया। बछेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य की प्राप्ति, इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव, अर्थात जो शौक था, बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, अर्थात इनका जो बड़ा भाई था वो इनको, जो बछेंद्री पाल है उनसे छोटी थी, उनको वह रोका करता था। जबकि उनसे 6 साल छोटा भाई था उनका जो, उसको पहाड़ पर चढ़ने के लिए वह उकसाया करता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी तो कर सकती है। और वह सोचती थी कि लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे की तराई में बसे एक और गांव में, तब क्या था। तो पहाड़ों पर उनकी जो इच्छा थी बचपन में ही पूरी होती रही थी, क्योंकि जो उनका परिवार था ऊंचाई वाले इलाके में कुछ महीने रहा करता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे की तराई में बसे एक गांव में बिताता था। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बछेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अर्थात जो बचपन में वो स्कूल जाती थी तो वह भी उन्हें चढ़ाई में उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलते थे। इधर बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की थी उसी समय। तो बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हुई और ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7500 मीटर ऊंची, अर्थात 7500 या 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, अर्थात एवरेस्ट फतेह किया। तो बछेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, अर्थात अपने आप ही लिखा है, और प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक
अंश बछेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक, अर्थात अंतिम पड़ाव से ऊंचाई तक, शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है, अर्थात बताता है। और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो इस पाठ में उनके जो एवरेस्ट शिखर यात्रा को लेकर के उन्होंने खुद ही वचिंद्री पाल जी ने वर्णन किया है। आइए चलते हैं पाठ की यात्रा पर। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया था। एवरेस्ट अभियान दल जो था उनके साथ कई और भी लोग थे, तो यह 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से निकल पड़ा था। काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है, और एक मजबूत अग्रिम दल, अग्रिम इस आगे का दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम में कठिनाई भरे हिमपात जहां बर्फ गिरी रहती है उनके रास्ते को साफ कर सके। अर्थात एक दल जो था पहले ही भेज दिया गया था। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार अधिकांश शेरपा जो कि नेपाली होते थे इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों में होते थे। यह नमचे बाजार का ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, अर्थात सबसे पहले उसने एवरेस्ट को नमचे बाजार से ही देखा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से जाना जाता था या प्रसिद्ध था। अर्थात तो उस एवरेस्ट को जो नेपाल के जो लोग थे वे सागरमाथा कह के पुकारते थे, और मुझे यह नाम अच्छा लगा, वचेंद्री पाल को यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल जिसको प्लूम बोलते थे वह देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अर्थात यह बड़ा फूल था जो कि ऐसा लगता था कि पर्वत शिखर पर एक तिरंगा सा लहरा रहा हो। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था। 150 किलोमीटर की जो हवा थी वहाँ पर चलती थी, जिसके कारण वह फूल बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। जो हवाएं थीं बहुत तेज चलती थीं, और वह भी कैसी बर्फीली हवाएं रहती थीं। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। कह सकते हैं कि यह जो बर्फ है 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक होती थी। तब क्या था, शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में, और यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। अर्थात मैं सोच रही थी कि यह मुझे डरा ही देगा, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। अर्थात मैं उसके प्रति जो आकर्षण था और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं इनकी कठिनाइयों को पार करते हुए एवरेस्ट को फतेह करूं। आगे वह कहती है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो हमें हिमस्खलन या बर्फ के जो रिसने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अर्थात जो एक शेरपा था नेपाली जो था वह वहाँ पर मर चुका था, किसके कारण, हिमस्खलन के कारण। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से जो लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, लोहोत्से नामक क्या है एक जगह है, तो लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी।
अर्थात जो एक दल था शेरपाओं का, या कह सकते हैं नेपाल के लोगों का, उनमें से जो 16 लोग थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई और चार जो थे घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद में उदासी, अर्थात तो उनके चेहरों पर उदासी छा गई थी। तो उसको देखकर हमारे नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया जो वछेंद्री पाल का जो दल था उसके एक नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अर्थात जो खतरे होते हैं वे वहाँ पर आते ही रहते हैं, उनको हमें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए या उनसे हमें अच्छी प्रकार से अवगत होना चाहिए। आगे क्या था कि उपनेता प्रेमचंद बनाए गए थे उनके उपनेता, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन बनता है कि अग्रिम दल सबसे आगे का जो दल था उसके नेता उपनेता या उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जो उपनेता थे प्रेमचंद, वे अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिच लौट आए, उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, अर्थात जो खुम्बू में हिमपात जो होता है उसके बारे में हमें बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। वे कहते हैं कि 6000 मीटर तक हमने जो रास्ता है वह साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी वहाँ जारी है। तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। तो उनके जो दल था उनका जो कर्नल था उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सब जो काम हैं जो बर्फ़ है उसके कारण ये सब काम व्यर्थ हो सकते हैं, अर्थात हमने जो रास्ता साफ़ किया है तो रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। तो बैंसकेप बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली, अर्थात एक और व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी पहुंचने से पहले ही बेस कैंप। तो जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी, अर्थात तो वहाँ की जो जलवायु थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी बर्फीली हवाएं थीं, तो उसके कारण एक रसोई का जो सहायक था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, अर्थात उस समय स्थिति अनुकूल नहीं थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था लेकिन एक दूरी से देखा था। वछेंद्री पाल कहती हैं कि मैंने उसको देखा तो था लेकिन बहुत दूरी से देखा था। और बेस कैंप में पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बौचक्का होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहोत से और नोत से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। तो वह देख करके उसको आश्चर्यजनक रह गई और उसकी जो ऊंचाई थी ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली जो टेढ़ी मेढ़ी नदी थी वहाँ से जो गिर रही थी उसको देख करके वह बौचक्की रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था, अर्थात जो हिमपात था वह बर्फ के जो बड़े बड़े खंड थे वे अचानक और अकस्मात ही इधर उधर गिर रहे थे। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जैसे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं।
और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमबेदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी और ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग एक दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थात तो जो हिमपात है वह लगभग 12 आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तब क्या हुआ कि दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अलूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुलों का बनाना और लट्ठों रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोमू तथा मैं, एक थी रीता गोमू और वह कहती है बछेंद्री पाल, मैं साथ साथ चढ़ ही रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी भी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। तो कर्नल खुल्लर उस समय खुश हो गए। उस समय जो कर्नल खुल्लर थे खुश हुए और जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थीं, अर्थात जहां पर कैंप फर्स्ट बनाया गया था वहां पर केवल दो ही महिलाएं थीं, रीता और वछेंद्री पाल। आगे क्या होता है कि अंग दौड़ जी, लोपसांग और गगन विस्सा तीन जो व्यक्ति थे अंततः साउथ कोल पहुंच गए। दक्षिण का जो कोल था उस तक पहुंचे और 29 अप्रैल को 7900 मीटर मतलब 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी जब अप्रैल में बेस कैंप में थे। तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, अर्थात मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी बताया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतारोही लड़की हो लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी और कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तासारिंग मेरे तंबू में थे और एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात 12:30 पर लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी और बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही थी। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी।
तब क्या था कि यह क्या हो गया, यह क्या हो गया था। उसे लगा कि एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी और यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसंग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गई और थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु, अर्थात जरा भी देर होती तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाती। बड़े बड़े हिमखंडों, हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे सुबह ही 8 बजे हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जैसे शेरपा की टांग की जो हड्डी थी वह टूट गई थी और उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, अर्थात उन्होंने कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी नौपुरुष सदस्यों को चोटों अथवा हड्डियां टूटने आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? तो उसने कहा, जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो उसने कहा, वछिंद्री पाल ने, नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब क्या था कि जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, तो मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। उनके नाम थे कि जय और मीनू, ये अभी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी तो मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो पाठ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं आगे कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले ली अछिंद्री। वह कह रहा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ले ली। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, अछिंद्री पाल ने उससे दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें नीचे मिलने नीचे उतर आए
और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध था। साउथ कोल जो जगह है पृथ्वी पर क्या है, बहुत ही कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। और अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तम्बू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तब क्या था कि अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस जाना था अथवा अपना प्रयास छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह लगभग 6:15 बजे 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर आने के लिए तो ये दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थीं मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जैसे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। तब क्या था कि 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तब क्या हुआ कि लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास आ पहुंचा था। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदाड़ जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं उन ऊँचाइयों के लिए सामान्यतया आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी और मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ से उड़ा रहे थे जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा और नीचे चला गया है।
तो मेरी सांसें जो थी मानो रुक गई थी। मुझे विचार कोंधा, विचार आया कि सफलता बहुत नज़दीक है। तो 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया और इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदौड़ जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौड़ जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो कुछ देर बाद सोनम पुल्लर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन आंसर हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हैं जो 25 से 30 शब्दों में जिनके आंसर देने होते हैं, जैसे नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो नज़दीक से जब उसने देखा तो एकदम भौचक की रह गई थी, जबकि पहली बार जो अब उसने देखा था तो काफ़ी दूर से दो बार एवरेस्ट को देखा था। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें और चैनल को अगर लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें। वीडियो को अगर समझ में आई हो तो अपने मित्रों और विभिन्न साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।